सफर को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। इन अशार के साथ के एक एक लफ्ज का मफहूम बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम बदल रखा है, एक एक लफ्ज का मफहूम बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम बदल रखा है और मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। मेरे कमरे में भी एक ताजमहल, गजल का खूबसूरत ताजमहल अपने दिल के कमरे में सजाकर पूरी उर्दू दुनिया के सामईन के दिलों को अपनी खूबसूरत शायरी से मुअत्तर करने वाला दबिस्तान दिल्ली का वो अजीम शायर जिसकी फितरत में शायराना सलाहियतों का एक गहरे दफ्तर मौजूद है, एक अच्छा और सच्चा शायर जो गजल की नजाकतों को भी समझता है और जबान-ओ-बयान की लताफत के हुनर से भी बखूबी वाकिफ है। साथ की सलाहियत, बुलंद ख्याली और शेर को एक अछूते और बावकार अंदाज में कहने के फन से बखूबी वाकिफ है दबिस्तान दिल्ली के बहुत ही अजीम और बाकमाल शायर हमारे दोस्त मोहतरम इकबाल अशहर साहब। मैं इन अशार के साथ कि चांद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है, कौल ये मेरा नहीं हजरत खयाम का है, और हमसे पूछो के गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धक्का बड़े आराम का है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब इकबाल अशहर। आज मैंने सरधना का असली चेहरा, सरधना की सही तस्वीर उस वक्त देखी जब आपने अजीत सागरी के बदले सुना। वाकई बुजुर्ग बहुत जिक्र करते हैं, जैसे प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, राहत साहब भी बड़ा जिक्र करते थे सरधना के लोगों के उसने समाज का, और आज आपने उसका सबूत भी दिया कि आप वाकई गजल की इशारियत और उसकी रमजियत से बखूबी वाकिफ हैं। मैं मुख्तसर कलाम सुनाऊंगा, एक गजल के चंद शेर पहले समाप्त फरमा लें। अब ये जाएगा कुछ कहने सुनने का ऐसा मकाम नहीं है, आप जो अच्छा शेर होगा उसको दाम दे ही देंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद के साथ तो मतलब पढ़ता हूँ। एक चराग बताया गया मुझे, बहुत फरमाया जरा सा बात दे मेरा बेफैज, एक चराग बताया गया मुझे, बेफैज एक चराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया, बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे। और फिर अर्ज कर रहा हूँ कि हैरान हूँ मैं वक्त की तकसीम देख कर, कई लोग तो सो रहे हैं भाई, नहीं उठाओ, ये भी बदल का एक असर होता है, ये भी एक असर है बदल का।
हैरान हूँ मैं वक्त की तकसीम देख कर, हैरान हूँ मैं वक्त की तकसीम देख कर, किसके लिए था किस पे लुटाया गया, के लिए था किस पे लुटाया गया मुझे। और देखिए एक बड़ी अकेलियत की नुमाइंदगी करते हुए शेर पढ़ रहा हूँ, किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे, पहले कहा गया के लब आजाद है तेरे। बात कीजिएगा दूसरा गाने, पहले कहा गया के लब आजाद है तेरे, मैं बोलने लगा तो डराया गया, बहुत शुक्रिया। पहले कहा गया के लब आजाद है तेरे, मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। और ये भी हमारा और आपका मुश्तरक दर्द है, क्षमा फरमाइए। शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, महफिल में सबसे दूर बिठाया। शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, महफिल में सबसे दूर बिठाया गया मुझे। आखिरी शेर पढ़ाऊँ, ये हमारे साथ जो भी हुआ बहरहाल, लेकिन हमें सिखाया क्या हमारे बुजुर्गों ने। आखिरी शेर इसका तर्जुमान है इस कदम पर, फरमा फरमाए, महफिल में सबसे दूर बिठाया गया मुझे, मुझ पर असर न हो सका नफरत के जहर का। ये हमारा और आपका किरदार, वतन से मोहब्बत करने वाला किरदार, कि मुझ पर असर न हो सका नफरत के जहर का, अच्छा हुआ के इश्क सिखाया गया, अच्छा हुआ के इश्क सिखाया गया मुझे। बहुत शुक्रिया, कहाँ चले गए थे रियाज भाई। चलिए बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत इंसाफ किया मेरी गजल के साथ। अब एक गजल और समा फरमाने, बस ये गजल कुछ हमारे शाह साहब जो हमारे हैं उस्तादों के उस्ताद हैं, तो ऐसे अहले नज़र कामे भी मौजूद हैं सामईन में, तो मैं मुमकिन है कि सफ़े सामईन में कुछ शोरा भी हों। एक मुख्तसर सी बात है गजल सुनाने से पेश कर, और वो ये है कि मैंने इस गजल में एक ही काफिये से काम चलाया है,
पूरी गजल में एक ही माफिया इस्तेमाल किया है मतले के अलावा, समाज फरमाइए ये बहुत महसूस होंगे आप अदबी तौर पे अगर आपने मेरा साथ दिया। चार पांच शेर है, समाज फरमाइए। अरे दोस्तों जरा मुतवज्जे हो जाइए, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। दरमियान में कोई एक आध बात आपस में ऐसी हो ही जाती है कि कोई पैगाम बुलंद हो जाता है, उसका शायर से कोई ताल्लुक नहीं होता। बहरहाल आप बहुत अच्छे हैं। मैं मतलब पढ़ता हूँ गजल का। इसी बहाने मेरे आसपास रहने लगे। नवाज भाई, इसी बहाने मेरे आसपास रहने लगे, इसी बहाने मेरे आसपास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। मतले से मेरे इंसाफ कर दीजिए, फिर पूरी गजल आपकी हो जाएगी। मेरा वादा है। इसी बहाने मेरे आसपास रहने लगे, मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। एक शख्स ऐसा है हमारे दरमियान कि बहुत बुरी तरह से दिल टूटा है इस आदमी का, उसका इजहार भी कर रहा है ये आदमी खुलेआम। आपको सब्र दे बैठे, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। फिर जमा फरमाए दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे, कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, के हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। और देखिए ये शेर सुनाने आया हूँ मैं आपको, बस ये यकीन रखिए मुझे इतना अजीज है इसलिए। ये हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे, अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास लगे। बस उदास रहने लगे, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था। फरमा दोस्तों। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, वो कामयाब हुए जो उदास रहने लगे।